हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पीएस क्लासेस पर स्वागत है। मैं हूं अजय और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्ट्स के पीएच के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक। अब साधारण नमक की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगी कि हमारा खाना जो है साधारण नमक के बिना, कॉमन सॉल्ट के बिना बिल्कुल ही फीका पड़ जाएगा। तो चलिए उसी के बारे में कुछ नया सीखते हैं, जानते हैं। कॉमन सॉल्ट के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो कॉमन सॉल्ट के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, आपने साथ साथ ही साइंस के नोट्स बना लेने हैं। ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे और ऐसे नोट्स कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करता, तो आप ध्यान से और साथ साथ नोट्स बनाइए और ये नोट्स एग्जाम में आपके बहुत ही काम आएंगे। तो कॉमन सॉल्ट की बात करें, कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। जो कॉमन सॉल्ट है उसका एक और नाम क्या है, NaCl। NaCl का अगर हम नाम लिखें तो इसका नाम क्या बनेगा, Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब सोडियम क्लोराइड। इसके बाद ये बनता कैसे, देखिए सोडियम क्लोराइड जो है या कोई भी सॉल्ट है, काफी सारे सॉल्ट्स हमें समुद्र सी वाटर से प्राप्त होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वॉटर। ज्यादातर सॉल्ट्स कहां से मिलते हैं हमें, सी वॉटर्स। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल दीज सॉल्ट्स। तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट है इसका एक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और ज्यादातर सॉल्ट्स हमें कहां से मिलते हैं, सी वॉटर से। और सोडियम क्लोराइड को इन्हीं सारे सॉल्ट्स में से अलग कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सी वॉटर में सॉल्ट्स कहां से आए। देखिए समुद्र क्या है, समुद्र कैसे बनता है, उसमें बहुत सारी नदियां बहुत सारी रिवर्स आकर मिलती हैं। तो उन रिवर्स में बहुत सारे सॉल्ट्स इधर उधर से आते रहते हैं। वो सारी की सारी रिवर्स क्या करती हैं, जितना भी उनमें सॉल्ट था सारा कहां लाके इकट्ठा कर देंगी, समुद्र में। इसीलिए सी वॉटर जो है एक तरह से कह लो सॉल्ट्स का खजाना है। समुद्र का पानी खारा भी इसलिए होता है, खारा मतलब नमकीन, नमकीन मतलब सॉल्ट, सोल्टी। तो इसलिए सी वॉटर हमारा सोल्टी होता है। तो कॉमन सोल्ट जनरली कैसे ऑब्टेन करते हैं हम,
कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन. सी वॉटर. तो करना क्या, देखिए समुद्र का पानी लीजिए, उस पानी को इवेपोरेट कर दीजिए. जब पानी हमारे पास है, मान लीजिए ये सी वॉटर है, इस सी वॉटर में हमारे पास सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं. तो जब हम इसको उबालेंगे, बर्न करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, तो पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा. जब पानी इसमें सारा इवेपोरेट हो गया तो क्या बचेगा नीचे, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सोल्ट के क्रिस्टल्स. तो इस तरह से समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके हम कॉमन सोल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर सकते हैं. एक तरीका तो ये हो गया. इसके अलावा देखिए एक और तरीका हमारे पास है. सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर ऑल्सो फाउंड एट सम प्लेसेस. कई जगह पर क्या होता है, एक तो देखिए कॉमन सोल्ट हमें कहां से मिलेगा, समुद्र के पानी से. लेकिन कई जगह पर क्या होता है, वहां पानी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नमक जो है सॉलिड की फॉर्म में होता है. क्योंकि वहां का पानी, पहले वहां पर समुद्र था मान लीजिए, या फिर वहां पर बड़ी सी लेक थी जो खारे पानी वाली लेक थी, तो सारा खारा पानी जो है वो पानी सारा इवेपोरेट हो चुका है, सूख चुका है. अब सिर्फ वहां पर क्या रह जाएगा, सोल्ट. तो वो सोल्ट हमें किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में. आपने कई दुकानों पर भी देखा होगा बड़े सारे इतने बड़े बड़े सॉलिड पीसेस रखे होते हैं सोल्ट के. वो सब कहां से निकाले गए होते हैं, जहां पर पानी सारा उड़ चुका है, सूख चुका है, और वहां पर सिर्फ क्या रह जाता है, सोल्ट, सॉलिड फॉर्म में बड़े बड़े क्रिस्टल्स वहां से फिर निकाले जाते हैं. तो सॉलिड फॉर्म में भी हमें कॉमन सोल्ट यानी कि हमारा जो NaCl है वो मिल सकता है. तो जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं. दीज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. इसको क्या बोलते हैं, हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट या मिनरल सॉल्ट. तो जिन रॉक सॉल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, आपने कई शॉप्स पे देखा होगा बड़े बड़े पीसेस रखे होते हैं, तो उन पीसेस में आपको एक भी ऐसा पीस नहीं मिलेगा जो पूरा प्योर व्हाइट हो. या तो वो ब्राउन कलर का होगा, रेड कलर का होगा, बट पूरा प्योर व्हाइट नहीं होगा. तो वो पूरा प्योर व्हाइट क्यों नहीं है, ब्राउन कलर का क्यों है, क्योंकि उसमें उस सॉल्ट में कुछ इंप्योरिटीज होती हैं. उस इंप्योरिटी की वजह से वो सॉल्ट व्हाइट ना होकर ब्राउन कलर का होता है. तो जितने भी हमारे रॉक सॉल्ट होंगे वो सारे क्या होंगे, व्हाइट कलर की ना होकर वो ब्राउन कलर के होंगे. तो एक और पॉइंट बनता है हमारा कि रॉक सॉल्ट्स आर कलर्ड, क्या कह सकते हो, ब्राउन कलर. ब्राउन होते हैं या कलर्ड होते हैं क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन देम. क्योंकि इनमें क्या होती है, इंप्योरिटीज होती है. तो ये हो गया हमारा
रॉक सॉल्ट के बारे में। अब देखिए रॉक सॉल्ट बने कैसे, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं कि जो समुद्र सूख गए हैं वहां का पानी सारा का सारा खत्म हो चुका है, तो वहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा, जो जितना भी मिट्टी वगैरह होगी वहां पर वो सारी क्या होगी, सोल्ट की फॉर्म में होगी। तो रॉक सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय ड्राइड सीज, जो समुद्र सूख चुके हैं उनसे रॉक सॉल्ट जो है बनते हैं। अब देखिए हमने पढ़ तो लिया रॉक सॉल्ट के बारे में, लेकिन हम रॉक सॉल्ट क्यों पढ़ रहे हैं या फिर कॉमन सॉल्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये खाने में काम आता है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम सिर्फ खाने को लेकर नहीं चलेंगे। माना कि केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के लिए या फिर फूड जो है केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, लेकिन हम अभी खाने के लिए ही नहीं सिर्फ फोकस करेंगे, कॉमन सॉल्ट और भी बहुत काम आता है, इसलिए केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में जो है कॉमन सॉल्ट की डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो खाने के अलावा कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक NaCl, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री के लिए। कैसे? बिकॉज इट इज यूज्ड, क्योंकि इसका यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो हम कॉमन सॉल्ट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल का काम करता है इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं, जैसे लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। तो कॉमन सॉल्ट खाने के अलावा और भी बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम इससे बना सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स की बात करी मैंने, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, इसके अलावा और भी हैं कुछ, इन सब के बारे में हम इससे आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे और एग्जाम में इन टॉपिक्स के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो टॉपिक्स आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एग्जाम में इन टॉपिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, 100% तो नहीं बोलूंगा लेकिन 99% चांसेस हैं कि इनके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप अगली वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को मुझे डिस्कस करते हुए पाएंगे, तो आप अगली वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।